ना, हिट्रो ट्रॉपिक यूकार्योट सब देख रहे थे, और इसी में हम बात कर रहे थे यूबैक्टीरिया, नॉट यूकार्योट, सॉरी, यूबैक्टीरिया देख रहे थे। और हम आपको बताए थे इसमें तीन तरह का कैटेगरी था। एक था आपको बेनिफिशियल, जिसमें एंटीबायोटिक बनाने में मदद करता है, इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल स्केल पे, या होम होम अप्लायंस, होम में, घर में आपको किचन में यूज होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में। जैसे आपको कल हम बताए थे कि दही बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, वैसे ही आपको कुछ बैक्टीरिया आपके लिए दुश्मन भी हो सकते हैं, मतलब आपको बीमार भी कर सकते हैं। उसमें हम लोग टेटनस ये सब का बात किए थे, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नाम का बैक्टीरिया, उसके बाद हमने आपको बात किया था टाइफाइड, उसके बाद कोलराई, उसके बाद आपको एक प्लांट को बीमार करने वाला बैक्टीरिया का नाम लिए थे, जिसका नाम क्या था, सिट्रस कैंकर डिजीज का नाम है, और जिंथोमोनास सिट्री नाम का बैक्टीरिया प्लांट को नुकसान पहुंचाता है जी, ठीक है, और आपके पेट सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया से बहुत सारे लोग दो चार होते रहते हैं। इसका हम सिंपल तरीका ही बताए थे कि बचने का तरीका एंटीबायोटिक है, या नहीं तो एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल एक ऐसा दवा होता है ना, जो बैक्टीरिया को या तो रोक के रखता है, या तो बैक्टीरिया को क्या करता है सर, आपको क्लीन करके हटा देता है। जैसे सैनिटाइजर सब यूज करते हैं ना, हाथ में जितना भी जम सब रहता है, बैक्टीरिया सब रहता है, उसको साफ कर देता है, मारता नहीं, उसको हटा देता है, मिट्टी पे गिरा देता है, वैसे ही आपके आपके शरीर में भी लाइजोजाइम नाम का एंजाइम है, जो बैक्टीरिया को सर या तो मार देता है या तो कॉन्टेक्ट से हटा देता है जी, ठीक है। तो हम लोग जब बात कर लिए थे ये सब के बारे में, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना, यू बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया। देखिए ये लोग है ना सर, आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ये शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मिमिक करता है, बट मिमिक करता है, मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल उतारता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कोई चीज नहीं करता है। देखिए हम आपको एक बार पढ़ाएंगे जरूर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या देखते हैं हम लोग, अगर कोई पेरेंट अकेले ही बच्चे जन्म दे देता है, इस घटना को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और मेल फीमेल मिल करके बच्चे को जन्म देता है, उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से लाते हैं। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का यही डेफिनेशन है जी। कोई लड़का ये नहीं पढ़ाने लगना कि जिसमें बच्चा माए बाप जैसा दिखता है, जिसमें बच्चा माइटोसिस डिवीजन करता है, उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें मियोसिस होता है उसको सेक्सुअल कहते हैं, गलत हो जाइएगा। आपको ये डिफिनेशन देना है कि अगर एक ही पेरेंट बच्चे को जन्म दे दे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, या लड़का हो या लड़की हो। ओके, जैसे देखो मेरा उंगली कट जाए, ये हिस्सा कटा हुआ हिस्सा आगे जाके मेरे ही जितना बड़ा बन जाए, मेरे ही जैसा बन जाए, तो हम इस घटना को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाएंगे। लेकिन वही जगह पे एक बच्चे को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल को मिलना जरूरी है, मेल और फीमेल का गैमिट का मिलना जरूरी है, तभी जाके बच्चे जन्म लेगा, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में मेल और फीमेल पहचानना बहुत मुश्किल है, कौन मेल है कौन फीमेल है आप नहीं बता सकते। देखो ये दोनों बैक्टीरिया है, इसमें बाहर से या अंदर से ऐसा कोई फीचर नहीं है जिसको देख के कह दे हाँ ये मेल था ये फीमेल था, ये बोल नहीं पाइएगा आप, ठीक है। इस वजह से बैक्टीरिया में हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता तो है सर, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह से नहीं होता है जो हम लोग मेल फीमेल डिफाइन करते हैं, गैमिट बनता है, ऐसा कुछ नहीं होगा ये लोगों में, नॉट मेक गैमिट, है ना, ये लोग गैमिट नहीं बनाते हैं, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग का माना जाता है जी, ठीक है। ये लोग गैमिट बनाए बिना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर लेते हैं, वही सब चीज की इधर की ओर बात करेंगे जी, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल वैसे बच्चे जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन नहीं पता था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन नहीं पता था, ओरली बोल दिए है, अब आपको ये बताया जा रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग दो तरीके से करता है, एक है फीजन, है ना, फीजन के तरीके से करता है, और एक है सर आपको इंडोस्पोर फॉर्मेशन, इंडोस्पोर फॉर्मेशन, ये भी हम लोग देखेंगे। हम लोग ये दो तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नकल उतारता है ये भी आपको तीन तरीके से करता है जी। बैक्टीरिया जो तीन तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली भी नहीं करता है, उसका नकल उतारता है, एक का नाम क्या सर, कंजुगेशन, है ना, कंजुगेशन, एक का नाम आएगा कंजुगेशन, एक का नाम आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, सब सिलेबस है जी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है आपको ट्रांसडक्शन, एक क्या देखते हम लोग, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन मतलब बैक्टीरिया में टोटल तीन तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल उतरता है, एक है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और एक क्या है आपको, ट्रांसडक्शन जी, ठीक है। ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसडक्शन होता है, कैसे ट्रांसफ्यूजन होता है, और कैसे आपको
आपको कंजुगेशन होता है, यहां से शुरू करते हैं। इस पांचों में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करता है, मोस्ट कॉमन ये है फ्यूजन सब में से। मतलब अगर बैक्टीरिया को मन करेगा एक से दो बच्चे जन्म देने का, मोस्टली यूज मेथड क्या होगा, ये फ्यूजन ही करेगा सर। ज्यादातर बैक्टीरिया क्या करता है, फ्यूजन करता है। 2017 या 18 में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हम उस क्वेश्चन को दोहराएंगे जरूर, आपसे पूछेंगे आप लोगों से भी, है ना। लेकिन एक बात ये भी है कि सर तुम लोग ये भी कोई लड़का सोच रहा होगा कि सर बैक्टीरिया में माइटोसिस डिवीजन होता है या मियोसिस होता है, कुछ नहीं है, ये लोग एमाइटोसिस करता है जी, ठीक है। बैक्टीरिया में तो भैंस सेल का दर्जा नहीं मिला इसको, तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, पुराने जमाने का सेल, इसमें माइटोसिस जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, कम ही शब्द इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली में, ये लोग है ना बहुत लोअर किस्म का सेल डिवीजन शो करता है। हम आपको हिंट्स दे रहे हैं जी, देखते हैं कौन लड़का लास्ट में जवाब देगा। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया में G1 फेज, H फेज, G2 फेज ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग पूछ दीजिएगा कि बैक्टीरिया में आप, या हम लोग ऐसे बात किए थे ना एक बार कि रिप्रोडक्शन एक प्रकार का सेल डिवीजन है, पर यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे सेल डिवीजन जैसे कोई चीज इसमें नहीं आता है जी, ठीक है। अब शुरू करते हैं जी, ठीक है। पहला फ्यूजन पढ़ना हम लोगों को, फिर उसके बाद इंडोस्पोर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे जी, ठीक है। पॉइंट पे ध्यान देते हैं, जब कोई बैक्टीरिया को लगता है कि अपना आबादी बढ़ाना चाहिए तो हर एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करके अपने आबादी को वो बढ़ा लेता है जी, ठीक है। मतलब कोई बैक्टीरिया को देखिएगा, है ना, वो बैक्टीरिया को लगेगा कि हमको अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए। मान लो ये एक बैक्टीरिया है ना, और ये बैक्टीरिया सोचता है कि हम अपना पॉपुलेशन बढ़ा दे, तो अपने अंदर का सारा सामान डबल कर लेगा, और डबल करने के बाद दो हिस्सों में बट जाएगा जी, ठीक है। When a bacterial cell divide into equal half, जब कोई बैक्टीरिया का सेल दो बराबर हिस्सों में बट जाता हो, आपको when bacterial cell divide into equal half, सच घटना को, निसच फिनोमेना को क्या नाम देते हैं, ऐसी घटना को हम लोग फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं जी। फ्यूजन, फ्यूजन एक नया शब्द नहीं है, फ्यूजन का मतलब इक्वली टूटना ही होता है, और यहाँ पे आपको जब इक्वल टूट रहा है सर, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, फ्यूजन कहते हैं सर, ठीक है। फिर आगे जाके अपने माँ बाप जितना बड़ा हो जाएगा, जितना उसके मम्मी पापा थे, है ना, इस तरह से जो डिवाइड करा, फिर इसको भी आगे जाके फिर यही करेगा जो इसने, इसके पेरेंट ने किया था, फिर आगे जाके दो हिस्सों में टूट जाएगा, ऐसे चलता रहेगा जी, ठीक है। मतलब इस हिसाब से ये दो हिस्सों में बटता रहेगा, चलता रहेगा, और बाइनरी फ्यूजन होता रहेगा जी, ठीक है। पॉइंट क्या है सर, आपको बाइनरी फ्यूजन हम समझा रहे थे अभी आप लोगों को, या फ्यूजन भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया अपना पॉपुलेशन कैसे बढ़ाता है, फ्यूजन से अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है जी, ठीक है। बैक्टीरिया है ना मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन, एक बार में दो बनना, बाइनरी फ्यूजन का मतलब समझ रहे हो ना, एक बार में दो बनता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बाइनरी फ्यूजन के नाम से बुलाते हैं। अब एक 2017 का क्वेश्चन है जी, ठीक है, देखते हैं कौन बनाता है, है ना। हम आपको एक हिंट दे दिए कि आप व्हेन व्हेन बैक्टीरिया डबल इट्स, है ना, डबल इट्स जीनोम, फायदे के लिए डीएनए, कब बैक्टीरिया अपना डीएनए को डबल करता है ना, व्हेन बैक्टीरिया डबल इट्स जीनोम। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग एस फेज, ड्यूरिंग एस फेज, एक और तो हिंट्स दे देते हैं जी, ठीक है। देखो डीएनए से, डीएनए जो बनता है ना, इस घटना को रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से जब डीएनए बनेगा, इस घटना को क्या नाम देते हैं, रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है ना, इस घटना को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसलेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक हिंट दे रहे हैं, हमको दूसरा ऑप्शन लिखना है ना, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेल मूवमेंट, चौथा जस्ट प्रायर टू फ्यूजन, बताओ क्या आंसर होगा इसका। बैक्टीरिया अपना जीनोम मतलब डीएनए डबल कब करता है, हेलो कोई है कि नहीं, हाँ हेलो, फोर होगा, ठीक है। और कोई है, और कोई भी बोलेगा, और कोई बोलेगा, दूसरा नहीं,
फोर होगा ना। देखो तो हम बता रहे थे कि आपको एस फेज तो होने से रहा, हम पहले बोल दिए कि बैक्टीरिया में एस फेज जैसा कोई चीज होता नहीं है, वो होता है यूकैरियोटिक सेल के लिए एस फेज होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एस फेज आप लोगों को जो खाली सनाउर रहमान को छोड़ करके बाकी जो भी लड़का सब एस फेज पढ़े हुए हो, सेल डिवीजन के दौरान एस फेज आता है जिसमें डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल तो होता है एस फेज में भी, लेकिन सर वो तो बैक्टीरिया में थोड़े होता है, वो तो सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में। और ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ लिख दिए, डीएनए से आरएनए बनने की घटना को क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ये तो कभी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं कभी होगा आंसर। अब सेल मूवमेंट से क्या, सेल चलेगा तो क्या डीएनए डबल कर लेगा, ऐसा कोई बात है? ऐसा रहेगा तो दिक्कत है ना, मतलब सेल चलेगा तो डीएनए डबल होगा ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ बैक्टीरिया पास फ्लैजिला नहीं होता, नहीं चल सकता, तो क्या वो डीएनए डबल नहीं कर रहा होगा? वो भी डीएनए डबल करता है। कब डीएनए डबल करता है? जब डिवाइड का बारी आता है, हम अभी क्या बोले थे, बंटवारा जब होने वाला रहता है तो सामान डबल नहीं कर लिया था बैक्टीरिया, जान रहा है कि हमको एक से दो होना है, तो अपना जितना भी सामान है वो सबको क्या कर लिया होगा, दो कर लिया, तब ना कटेगा, ये समझा रहा जी? तो जस्ट बिफोर है ना आपको, जस्ट प्रायर, प्रायर मैंने बिफोर ही हुआ फ्यूजन, फ्यूजन से जस्ट पहले आपको आपको करता है सर ये डीएनए डबल। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 17 या 18 का क्वेश्चन था, पर बहुत बच्चा जो पूरा पढ़ लेता है ना, तो ज्यादा ज्यादा पढ़ने वाला बच्चे का भी क्वेश्चन गलती होता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि एस फेज में मार देगा पहले नंबर पे, लेकिन एस फेज तो यूकैरियोटिक सेल के लिए है, बैक्टीरिया के लिए नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब जब कोई बैक्टीरिया मुश्किल हालात में चला जाता है, जब कोई बैक्टीरिया को लगता है कि माहौल ठीक नहीं है बाहर का, तो अपने चारों तरफ एक मोटा सा स्पोर वॉल बनाता है, कैल्शियम का एक दीवार बनाता है, ये कैल्शियम का दीवार बाहर की दुनिया से इसको बचा के रखता है, ठीक है, उसको स्पोर वॉल के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। एक बार याद कीजिए, आप लोग पढ़े हुए हैं स्पोर, स्पोर वॉल है ना, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को ये लग रहा है कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तो तुरंत क्या कर लेगा, अपने चारों तरफ एक मोटा सा कवच बना लेगा। इस कवच को हम लोग क्या नाम देंगे, स्पोर वॉल। ये कैल्शियम का बना हुआ कवच है, ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना, कैल्शियम साल्ट का बना होता है ये, है ना, Ca++ का बना होता है, फॉर्म करता है, ठीक है। और पॉइंट ये है सर, ठीक है, कि ये इसको बाहर के मौसम से इसको बचा के रखता है, ठीक है, बाहर का जो माहौल है उस माहौल से इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, और अंदर में अपना ये छोटा छोटा स्पोर जन्म देता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया को जन्म देता रहता है। ये बैक्टीरिया देखता है कि बाहर माहौल ठीक नहीं है, तो अपने आप को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने अंदर में छोटे छोटे बच्चे को जन्म देता रहता है। छोटा खाना का डिमांड भी कम करेगा, टेंशन भी कम रहेगा इसको, और ये अंदर में बहुत सारा ऐसा बना लेता है जी, ठीक है, हजारों लाखों बना लेता है। और जैसे बाहर माहौल ठीक होता है, ऊपर का दीवार गलने लगता है, पानी के संपर्क में आते ही गल जाता है, और जैसे गलेगा तो इसका अंदर का पूरा स्पोर बाहर निकल जाएगा, ये सारा स्पोर बाहर निकलेगा, आगे जाके नया बैक्टीरिया में बदल जाएगा जी, ठीक है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोस्पोरोस जीनेसिस के ना, इंडोस्पोरस है ना, इंडोस्पोर फॉर्मेशन। तुम लोग से पूछेगा कि इंडोस्पोर कब बनता है, जब मुश्किल हालात आता है तब, बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है, तब वो क्या करता है सर, है ना, इंडोस्पोर बनाता है जी, ठीक है। और कभी भी एक्जोस्पोर नहीं होगा, मतलब उसके बच्चे को तुम देख नहीं सकते हो, उसका बच्चा एक कवच के अंदर ही रहेगा जी, ठीक है। और आगे जाकर हाँ क्या, फिर वो Ca++ वॉल है ना सर, हाँ हाँ हाँ, वो टूटा कैसे सर, पानी के संपर्क में आते हैं, जैसे बाहर पानी आएगा ना तुरंत टूट जाएगा, ये वाटर के संपर्क में आते हैं मेल्ट कर जाता है, ठीक है। ये स्पोर दुनिया के गर्मी से बचाएगा, है ना, मान लीजिए आपको ड्राई डे से बचाएगा, मतलब सूखा से बचाएगा इसको, है ना, ज्यादा हॉट प्लेट पर रख दिया उससे बचाएगा, है ना, कोल्ड प्लेट पर रख दिया उससे बचाएगा, लेकिन जैसे ही वाटर के संपर्क में आएगा, वाटर एंड मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, ह्यूमिडिटी, सॉरी ह्यूमिडिटी के संपर्क, जैसे अभी का मौसम देख रहे हो, इस मौसम को ह्यूमिड मौसम कहेंगे, क्योंकि पानी भी है और गर्मी भी है, यही वो मौसम होता है जिस टाइम में सबको, है ना, बाहर या देखना भी पेड़ लगाओगे तो अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि ये ह्यूमिड भी है और आपको गर्म ठंडी भी, पानी भी है और प्लस गर्मी भी है, ठीक है। इसी मौसम में इसका स्पोर वॉल टूट जाता है, अंदर से बैक्टीरिया नहीं तोड़ेगा, बैक्टीरिया तोड़ेगा तो कभी भी मन होगा तोड़ देगा, तो बाहर से बाहर का गर्मी या ठंडा अंदर घुस के मार देगा बैक्टीरिया को, इसीलिए बैक्टीरिया स्पोर वॉल से अपने आप को बचाता है, और अपने आप स्पोर वॉल टूटता है जब बाहर का माहौल कैसा हो जाए, ह्यूमिड प्लस वाटर का कंडीशन मिल जाए तब, ठीक है, बैक्टीरिया को बाहर आने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब आप इसके स्पोर को देख नहीं रहे थे, क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि कवच लगा हुआ था सर, दैट्स व्हाई। इस तरह के स्पोर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोस्पोर। यहाँ पे एनसीईआरटी 11th का किताब नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी 11th में देखिएगा, वो जो चार फोटोग्राफ है ना, उसमें से एक बैसिलस जो फोटोग्राफ दिया हुआ है, एक है कोकस और दूसरा बैसिलस, और उसी में दिखाया आपको इंडोस्पोर, है ना, इसलिए याद रखना कि बैसिलस बैक्टीरिया शो, है ना, बैक्टीरिया क्या शो करता है, स्पोर फॉर्मेशन, बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया शो है ना इंडोस्पोर फॉर्मेशन, सो इंडोस्पोर फॉर्मेशन। कॉमन सेंस लगाना कि कोई पूछ देगा कि स्पोर किसमें बनता है, तो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग
बैसिलस नाम का बैक्टीरिया ही स्पोर बनाता है, ठीक है। हालांकि और भी बैक्टीरिया है जो स्पोर बनाते हैं, पर आप लोग थोड़ा यहाँ पे है ना एक, एक, एक याद रखिएगा कि बैसिलस नाम का बैक्टीरिया इंडोस्पोर बनाता है जी, ठीक है। बोलो शेप सब होगा, फिर बोलिए सर, बाकी शेप सब जो है कॉकस और स्पीरियस। नहीं 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 उसमें नहीं होगा, नहीं नहीं उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है। यही बात तुमको ध्यान रखना है, इंडोस्पोर किसमें बनता है जी। हो गया ये बात, दो तरीके से हुआ, अकेले है ना, अकेले पेरेंट बच्चे जन्म देते उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एक्चुअली में बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ नकल उतारता है सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, नकल ऐसा उतारता है कि हम इसको शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं, ठीक है। कोई बैक्टीरिया को जब लगता है कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है तो वो नहीं टिक पाएगा, तो वो चाहेगा ना कि नया तरह का बच्चा पैदा करे ताकि टिक जाए। आप लोग देखते ना कभी भी धरती पे कोई भी बैक्टीरिया पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया का पॉपुलेशन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकता। या डिटॉल का प्रचार देखिए, या कोई भी है ना केमिकल सोप सब का प्रचार देखिएगा, देखिएगा 99.9% तक बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन 1% बैक्टीरिया छूट जाता है। 1% बैक्टीरिया क्यों छूट जाता है, क्योंकि उस बैक्टीरिया को पता है कि बाहर का माहौल सही नहीं है। कुछ दिमाग लगाओ हम क्या समझाना चाहें, माने ये बैक्टीरिया सब है, सब ब्लू कलर का बैक्टीरिया है, ये सब के सब क्या है, ब्लू कलर का बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया को है ना सर, मान लेते हैं थोड़ा देख लिए, मान लेते हैं ये है ना आपको पानी को बर्दाश्त कर सकता है, वाटर को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन डिटॉल को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं ये आदमी, जिस आदमी के हाथ में ये सब बैक्टीरिया है, मतलब मेरे ही हाथ में ये सब बड़ा बैक्टीरिया सब है, तो ये बैक्टीरिया सब मेरे हाथ से चिपका हुआ है, मेरे हाथ पे इसका आबादी बढ़ रहा है, डेली हम पानी से हाथ धो रहे हैं, इसलिए इस सबको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि डिटॉल से अपने हाथ को धोए सर, ठीक है। जैसे डिटॉल नाम का केमिकल इस पे पड़ेगा, कोई भी केमिकल है ना, है ना, डिटॉल का प्रचार नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी और का, ठीक है, कोई भी है ना, कोई भी आपको सैनिटाइजर सबसे यूज किए, जैसे इस पे डालेंगे ना तो सारा बैक्टीरिया मरने लगेगा। अब ये बैक्टीरिया को पता चल गया कि बाहर का माहौल सही नहीं है, ये दो स्टेप दो फैसला ले सकता है। एक फैसला क्या कि बाहर से पूरा स्पोर वॉल बना लेगा, स्पोर वॉल बना करके अपने आप को बचा लेगा, पर तुम देखो तुम लोग खुद कहेगा सर अभी माहौल ठीक नहीं है, मानी पानी जो आ ही रहा है, ठीक है, कोई बात है क्या। हेलो हेलो, अच्छा माइक ऑफ कर लो, है ना। तो देखो हम बता रहे थे क्या कि डिटॉल नाम का जो केमिकल है जब इस बैक्टीरिया के कॉलोनी पे पड़ रहा था, सारा बैक्टीरिया मर रहा था, अब इस बैक्टीरिया पे भी वो केमिकल आने वाला है ना। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन 20 मिनट का होता है, ये बात हम कभी बताए हुए आप लोगों को, बैक्टीरिया 20 मिनट ही जिंदा रहता है, तो उसके पास मौका है एक दो मिनट के अंदर में अपने आप को चेंज कर लेने का, ठीक है। और मान लीजिए एक और बैक्टीरिया यह है, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया पे आपको डिटॉल का असर होने ही वाला था कि समझ गया कि बाहर का माहौल सही नहीं है, तो दो अप्रोच लेगा, या तो इसने तरफ चारों तरफ से इंडोस्पोर बनाएगा, मतलब वही स्पोर वॉल बनाएगा ताकि अपने आप को बचा सके, लेकिन वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि पानी के साथ ही आदमी ले रहा है इसको, मतलब ह्यूमिड व्यूमिड सब कुछ है। ये बैक्टीरिया सोच रहा है क्या कि काश अपने बच्चे को थोड़ा अलग बनाते, टिकने का चांस कहीं बन जाता जी, ठीक है, पल्ले पर रहा है, जम कहना चाहे। तुम लोग भी देखते हो ना बचपन में, आप लोग कभी बहुत सारा क्यूज खेले होंगे, या बहुत सारा जैसे आप एग्जाम के लिए जाते हैं ना, तो आप लोग नहीं देखते हो दो दो पेन लेके जाते हो, तुम लोग के दिमाग में रहता है कहीं ये खत्म हो जाए तो दूसरा पेन से लिख लेंगे, कहीं खराब हो गया तो लिख देंगे। वही बात यहाँ पे भी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए का अदला बदली होता है, डीएनए का कुछ नया चेंज लाते हैं, डीएनए का जो चेंज आएगा, याद आ रहा है जी, डीएनए जो चेंज करेगा उससे क्या होगा सर, उसके बच्चे में कुछ टिकने का संभावना बढ़ सकता है, सर्वाइवल एबिलिटी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है जी, ठीक है। पॉइंट क्या है कि बैक्टीरिया तुरंत अपने डीएनए को चेंज कर लेगा जी, ठीक है। ये डीएनए इसका मान लीजिए था देख ऐसा दिख रहा था, कुछ देर बाद अपने डीएनए को किस तरह से चेंज कर लेगा, माने आपको रेक्टेंगल में चेंज कर दिया, तो हो सकता है कि डिटॉल के असर से वो बच जाए क्योंकि डीएनए उसका चेंज हो गया जी। कुछ समझाना चाह रहे हैं हम आप लोगों को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए बदलता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डिट्टोमय बाप जैसा वाला डीएनए आ जाता है। ए सेक्सुअल की मदद से कोई बच्चा चाहेगा हम धरती पे टिक जाए वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बना हुआ जो सेल होगा सर वो किसी भी केस में जाकर के वो खराब हो सकता है जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ बच्चा आगे टिकने का चांस ज्यादा है जी, ठीक है। अब बैक्टीरिया यही सोचता है, अब बैक्टीरिया को जब सोचता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इतना फायदा तो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रॉब्लम क्या है कि सर वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है जी, ठीक है। आपको बैक्टीरिया डू नॉट डू है ना, बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया चाहे साइनो बैक्टीरिया हो चाहे आर्चियो बैक्टीरिया हो चाहे है ना आपको हिटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नॉट डू एसआर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, बट दे आपको शो
शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल जरूर उतारता है जी, ठीक है। अब देखिए, किसी बच्चे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पता है तो उसके लिए हम था लिख रहे हैं यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, व्हेन टू अपोजिट पेरेंट कंबाइन करता है, टू अपोजिट अपोजिट पेरेंट पेरेंट कंबाइन करता है, कंबाइन करता है, कंबाइन टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। सच मेथड को क्या कहते हैं, है ना, ऑफ स्प्रिंग का सच मेथड कॉल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस डिवीजन अकर्स, इस दौरान मियोसिस डिवीजन होता है और इस दौरान जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन, और डीएनए चेंज करता है, डीएनए जेनेटिक वेरिएशन का समझते हैं ना, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आता है जी, ठीक है। यही वो कारण है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सबको मदद करता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट नंबर टू क्या है कि, है ना, जब बैक्टीरिया नॉट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट दे शो शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल उतारता है। एक मिनट रुक जाइए। लड़का लड़की का होना उतना भी जरूरी नहीं है, मकसद आपको डीएनए बदलने से है। हम क्या बोले थे अभी थोड़ी देर पहले, अगर डीएनए बदल जाएगा तो बचने का चांस बढ़ सकता है, सर्वाइवल चांस बढ़ सकता है जी, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है कि भले ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता हो लेकिन अपना डीएनए को बदल देगा तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही वो अप्रोच लगाता है, दिमाग लगाता है वो, किसी तरह से अपना डीएनए बदल ले, डीएनए को थोड़ा अपडेट कर ले, डीएनए को थोड़ा सा क्या करे मॉडिफाइड कर ले, ताकि सर बचने का चांसेस क्या हो, ज्यादा हो जाए जी, ठीक है। पूछना है क्या, क्या बनेगा इसमें, क्या हुआ फिर चलो सर, इसमें बच्चा नहीं ना बनेगा ये वाले में। देखो ना क्या होता है, देखो अब यहाँ पे तीन तरह का आपको, है ना, आपको क्या करता है ये लोग, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एक क्या नाम है, कंजुगेशन। एक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। एक का नाम है ट्रांसडक्शन। एक का नाम क्या है, ट्रांसडक्शन। ये तीनों तरीका क्या है, डीएनए को बदलने का तरीका है ये, अपना इसकी मदद से अपना डीएनए को क्या करता है, चेंज कर लेता है जी, ठीक है। अब ये कंजुगेशन पढ़ा रहे हैं आपको, कंजुगेशन क्या होता है, पहले इसको दिया कौन था, गिवन जाने ना, हम बारह बोले कंजुगेशन नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल है, नकल, है ना। उसके बाद है ना, अब वो कंजुगेशन गिवन बाय, ये गिवन बाय लीडरबर्ग एंड टेटम ने दिया था, टेटम इन 1946 में दिया था, ऑन इकोली पे, इकोलाई मतलब इसर्चिया कोलाई पे रिसर्च किया था, ठीक है, इन इकोलाई में देखने को मिला था जी, ठीक है। अब उसने क्या देखा, देखो वो क्या देखा कि दो तरह का इकोलाई का बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया को तो मान लो था देख लिया ब्लू कलर का है, इसके अंदर का डीएनए मान लो एकदम परफेक्ट गोल है, तो बड़ा करके लिखते हैं क्या, एक मिनट, लॉकडाउन लग भी नहीं करता जैसे पूरा हो हल्ला, सब घूम रहा बिना मास्क का, अभी भी मेरे सामने चार को बाइक पर आ गया, सब बिना मास्क के घूम रहा, ठीक है। कंजुगेशन पढ़ा रहे हम आपको, और कंजुगेशन में आप मान लेते एक बैक्टीरिया ये है सर, ये एक बैक्टीरिया है और ये रेड कलर का बैक्टीरिया है और इसका डीएनए ऐसा है, कुछ एतराज नहीं किसी को, और हम ये मान लेते हैं कि सर ये बैक्टीरिया कैन टॉलरेट है ना हॉट वाटर, ये गर्म पानी को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और दूसरे साइड जो बैक्टीरिया देख रहे हैं, मान लेते हैं सर ये ब्लू कलर का बैक्टीरिया है, ये दोनों बैक्टीरिया इकोलाई का एक खानदान का है, मान लो एक दिन मिर्जा खा तालाब से लाए हो, एक मान लो छात्र के लिए है ना आपको हराई पोखर से लाए हो, कोई भी जगह से, आपके घर में भी मान लीजिए एक सोफा नंबर वन से एक सोफा नंबर टू से बैक्टीरिया कलेक्ट किए हैं, ठीक है। सोफा नंबर वन पे एसी का डायरेक्ट हवा पड़ता है जिससे वो ठंडा रहता है, सोफा नंबर टू पे एसी का हवा बहुत देर से पहुंचता मतलब थोड़ा गर्म रहता है, ठीक है।
वैसे ये वाला मान लेते हैं, ये वाला ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा डीएनए था, ऐसे बनाते हैं परफेक्ट गोल बनाते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसा जो आपको आपको कोल्ड वाटर को बर्दाश्त कर सकता है, कोल्ड वाटर को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। किसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, बारिश हुआ था, बारिश के जरिए एक दूसरे से करीब आ गए। अब ये दोनों देख रहा है क्या कि एक के पास गर्म पानी से लड़ने का क्षमता है, एक के पास ठंडा पानी से लड़ने का क्षमता है जी, ठीक है। ये दोनों सोचता है क्या किसी तरह से अपने बच्चे को क्या करने, थोड़ा सा यूनिक बना लेते हैं, ऐसा करते हैं कि अपने डीएनए का थोड़ा बहुत अदला बदली करते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया सोचेगा कि थोड़ा सा डीएनए काट करके हम आपको डाल देते हैं, और ये बैक्टीरिया सोचेगा क्या कि थोड़ा सा डीएनए काट करके हम इसके अंदर में डाल देते हैं जी, ठीक है। एक्सचेंज कर लेते हैं डीएनए का जी, ठीक है। और जब डीएनए को जो एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, डीएनए को जब एक्सचेंज कर लेंगे, एक मिनट, अब यहाँ पे देखिएगा, है ना, इसका इतना दूर का हिस्सा इसमें डाल देंगे, इतना दूर का हिस्सा क्या करेंगे हम लोग इसमें डाल देंगे जी, ठीक है। अगला इसमें देखिए, तुम लोगों को ऐसा ऐसे थोड़े हो जाएगा, हवा से जाएगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हवा से तो नहीं जाएगा, इन लोगों में एक पाइप बनेगा जी, ठीक है। एक पाइप देखोगे, बैक्टीरिया जो होगा एक पाइप बनाएगा, उस पाइप का नाम क्या होगा, हाँ बोलिए, कंजुगेशन ट्यूब कहलाएगा, है ना। एक टनल बनेगा जिसका नाम क्या होगा सर आपको, कंजुगेशन ट्यूब, है ना, इस पाइप, हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे थे सर, पिल्लाई से ना बता दे एक बार बनता है। हाँ हाँ वही 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 वही, अब थोड़ा सा, हाँ पिल्ली, वही सेक्स पिल्ली जो था, है ना, कंजुगेशन ट्यूब, है ना, ये बस सही है, तुम सही बोला, एक पिल्ली होता है सेक्स पिल्ली, है ना, बैक्टीरिया के ऊपर में एक खास तरह का, है ना, आपको आपको पिल्ली होता है जिसका नाम सेक्स पिल्ली के नाम से बुलाते हैं, और ये होगा ना सेक्स पिल्ली, है ना, और सेक्स पिल्ली जो देखते हैं, ये सेक्स पिल्ली जो है यही आगे जाकर के इसके साथ ट्यूब बनाए, इधर से भी होगा, है ना, ये दोनों आगे जाके क्या बनाएगा, ट्यूब बना लेगा जी, ठीक है। अब इधर का जो डीएनए है जो घुमावदार है वो थोड़ा सा कट करके इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और उधर का जो ब्लू कलर का डीएनए वो इसमें आ जाएगा जी, ठीक है। अब इधर का जो देख रहे थे ब्लू कलर का डीएनए, उसमें क्या आ जाएगा सर, थोड़ा रेड कलर का डीएनए आ जाएगा जी, ठीक है। अब तुम खुद बता दो कि सर ये आप इसका फिर ये पिल्लाई हट जाएगा, मतलब ये ट्यूब हट के इधर हो जाएगा, ये ट्यूब हट करके इधर आ जाएगा। अब तुम खुद बताओगे कि सर अब ये जो आप इसका ये इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, हॉट में भी टिक सकता है और कोल्ड में भी टिक सकता है, और ये भी क्या है सर, हॉट एंड कोल्ड दोनों में टिक सकता है जी, ठीक है, दोनों में ये बर्दाश्त कर लेगा जी, ठीक है। अब यही हो गया, अब आगे जाके बाइनरी फ्यूजन करेगा तो हर एक बच्चा इसका हॉट कोल्ड दोनों में बर्दाश्त करेगा जी। नहीं पल्ले पड़ रहा क्या बोलना चाह रहे थे, तो ये डीएनए को बदल दिया तो इसका देखिए सर्वाइवल चांस बढ़ गया ना, पहले था कि सिर्फ ठंडे पानी में ही, सही गर्म पानी में ही टिक सकता था, लेकिन आप गर्म पानी में भी टिक सकता है और ठंडे पानी में भी टिक सकता है जी, ठीक है। मतलब हमने जो डिटॉल नाम का जो केमिकल अपने बॉडी पे लगाया था तो उस बैक्टीरिया को कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने आसपास के एक ऐसे बैक्टीरिया से अपना संपर्क बना लिया होगा जिस बैक्टीरिया के पास डिटॉल से लड़ने का क्षमता होगा जी, ठीक है। अब ये दो को बच गया, अभी दो से चार बन जाएगा ना बाइनरी फ्यूजन करके, फ्यूजन मुस्तकर करके अपने आबादी को बढ़ा लेगा जी। इस घटना को क्या नाम देते हैं, कंजुगेशन। अब कंजुगेशन जो देखते हैं सर, ए शॉर्ट ऑफ डीएनए आपको फ्रेगमेंट, है ना, कैन बी आपको एक्सचेंज बिटवीन द प्रिमिटिव डीएनए, पुराने डीएनए के साथ क्या करता है एक, है ना, अदला बदली कर लेता है, या नहीं तो दे भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दे दे डीएनए को, है ना, लेकिन इतना दूर तक कोई दिक्कत, सब ना आया क्या बोले, कंजुगेशन सब ना आया, हेलो, यस, हाँ, कंजुगेशन में तुम लोग अब याद क्या रखना है कि इसको दिया था लीडरबर्ग और टेटम ने 1946 में, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया अपने डीएनए मटेरियल का एक्सचेंज करता है, याद रखेगा। तीसरा पॉइंट कि सर ये बैक्टीरिया एक्सचेंज करने के लिए कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, यहाँ पे जो एक ट्यूब देखे थे उसका नाम कंजुगेशन ट्यूब है। हाँ, ऑब्वियसली कंजुगेशन ट्यूब बाय द मेक बाय द हेल्प ऑफ सेक्स पिल्ली, वो सेक्स पिल्ली की मदद से ही कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, जिसकी मदद से अपना डीएनए को इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड लाने में मदद करता है जी, ठीक है। कंजुगेशन सबसे कॉमन तरीका है बैक्टीरिया अपनी आबादी को बढ़ाने का, लेकिन कोई लड़का कहेगा ना सर ऐसा ही थोड़े होगा, कभी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बैक्टीरिया देने वाला हो और दूसरा बैक्टीरिया लेने वाला हो, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें बैक्टीरिया क्या करेगा अपना डीएनए को देगा दूसरे को, है ना। एक मिनट जाओ, मान लीजिए अब हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होता है सर, नया तरह का मकसद क्या है, नया डीएनए बनाने का, चाहे जैसे बनाइए आप, पहला इससे पहले जो गया था उसमें था एक्सचेंज करके, कट जाएगा एक बार ज्वाइन करना, ठीक है, आज बैक्टीरिया खत्म करके ही भेजेंगे। चार मिनट है अभी, तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया क्या करता है, है ना, डोनेट करता है, है ना, डोनेट डोनेट इट्स जीनोम
जीनोम कॉमा प्लाज्मिड या ऐसे करके, और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू अदर बैक्टीरिया ऑफ सेम स्पेसीज बट मे अदर स्ट्रेन। मतलब क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, देख रहे एक बैक्टीरिया अपना डीएनए को, हम लोग के डीएनए में जीनोम कहते थे या प्लाज्मिड कहते थे, उस डीएनए को डोनेट कर सकता है दूसरे बैक्टीरिया को, है ना, लेकिन वो स्पेसीज सेम होना चाहिए पर नस्ल हो सकता अलग अलग हो। जैसे आप जर्सी गाय कहते हैं ना, देसी गाय कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, फ्रीजियन बोलते हैं, तो क्या गाये है ना, काऊ ही है ना, पर सबका नस्ल अलग अलग है, इंडियन नस्ल है, कोई अफ्रीकन नस्ल है, कोई जर्सी मतलब स्विस नस्ल है। वही बात यहाँ पे भी है कि सर यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम निमोनियोकोकस है ना, निमोनिया का बैक्टीरिया है ना, निमोनियोकोकस है ना, और ये निमोनियोकोकस है ना, आपको मान लेते थे, मान लेते एस स्ट्रेन का है, एस स्ट्रेन स्मूथ नस्ल है इसका, एस का मतलब स्मूथ कॉलोनी, एक ऐसा बैक्टीरिया निमोनिया का जो स्मूथ कॉलोनी बनाता है, वट एवर स्मूथ कॉलोनी कुछ भी लिख रहे हैं, और एक ऐसा निमोनिया का बैक्टीरिया जो रफ कॉलोनी बनाता है, रफ माने खुरदुरा बनाता हो, ये भी निमोनिया का ही प्रजाति है। ये गौर कर रहा है कूलर का कि दोनों एक ही प्रजाति से है, लेकिन सर दोनों का आपको पैटर्न अलग अलग है, ये रफ कॉलोनी बनाता है, रफ कॉलोनी ऐसा करके बहुत तरह का होगा, कोई एक्वेटिक होगा, कोई टेरेस्ट्रियल होगा, कोई आपको यानी कि थाजे के लिए है ना हीट टॉलरेटर होगा, कोई कोल्ड टॉलरेटर होगा, कुछ भी है ना। तो मेरा कहना कुछ भी लगा इस पर हल्का लेके चलना है, कोई हम ही नहीं कहेंगे यही एग्जाम्पल याद करना है, कुछ भी मेरे दिमाग में यही चल रहा है इससे हम यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो निमोनिया का दो प्रजाति है, निमोनिया का दो नस्ल है, एक है एस स्ट्रेन और एक क्या है आर स्ट्रेन, है ना। अब ये निमोनिया का बैक्टीरिया सोच रहा है क्या कि हम अपना डीएनए है ना इसको डोनेट कर दे, किसको डोनेट कर दे है ना, इसको डोनेट कर दे, थायराइड से बना दे ताकि तुम लोग को फीलिंग हो, इसका डीएनए ये है और इसका डीएनए क्या सर आपको ये है, तो बता लिए रफ स्ट्रेन है, मान लेते था देख ले, मान लेते तुम लोग को समझाने के लिए बोले, कोल्ड से टॉलरेटर है, कोल्ड को टॉलरेट कर रहा है, लेकिन ये सोच रहा है काश हम गर्मी को भी टॉलरेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया है ना, क्या एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो, तो हम लोग है ना निमोनिया का जो बैक्टीरिया देख रहे थे उसमें से एक क्या सर आपको, ये रुक जाओ पंखा चलाने दो, बर्दाश्त करने वाला हॉट है ना, रेसिस्टेंट है ये, ठीक है। और ये बैक्टीरिया चाह रहा है कि काश हमको कोई है ना हॉट रेसिस्टेंट का डीएनए मिल जाए। तो ये बैक्टीरिया क्या किया, एक कंजुगेशन ट्यूब बनाया, और कंजुगेशन ट्यूब बना करके है ना अपना ये वाला डीएनए इसको डोनेट कर दिया, बदले में नहीं लिया कुछ, बस डोनेट कर दिया। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि सर ये ठंडी को तो बर्दाश्त कर ही रहा था, अब ये क्या होगा गर्मी को भी ना बर्दाश्त कर लेगा, ऐड हो गया ना प्रॉपर्टीज में, एक बैक्टीरिया डोनेट किया है ना अपना फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू द अदर बैक्टीरिया को, है ना। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, हिंदी में निकालोगे मतलब बदल दिया सर दूसरे को, एक अपना भाई था उसका, और उसने भाई को क्या किया, ऐसा कुछ सामान ला के दिया, उसका भाई थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर गया या अच्छा लगने लगा देखने में, ठीक है। यहाँ पे वही बात हुआ कि एक बैक्टीरिया ने अपना डीएनए किसको दे दिया, दूसरे बैक्टीरिया को दे दिया, यहाँ पे भी है ना जो दे रहा है सर उसको क्या कहेंगे हम लोग, F प्लस कहेंगे, जो ले रहा है सर उसको F नॉट कहेंगे, ठीक है, F निगेटिव कहेंगे, पहले पढ़ा ना, F निगेटिव का मतलब क्या होगा, फर्टिलिटी फैक्टर है ना जी, फर्टिलिटी फैक्टर, क्योंकि ये ले रहा है, दे तो नहीं रहा है, फर्टिलिटी फैक्टर क्या होगा, निगेटिव, मतलब ये आपको जो दे रहा है सर उसको क्या कहेंगे, फर्टिलिटी फैक्टर पॉजिटिव कहेंगे जी, फर्टिलिटी फैक्टर डोनर कहेंगे, फर्टिलिटी फैक्टर डोनर है ना, ये अपना कुछ ऐसा अंश दे रहा है ना जिससे वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक बार ये भी याद करो कि तुम लोग जानते हो ना कि हमेशा मेल गैमिट फीमेल गैमिट में जाके फ्यूज करता है, यहाँ नहीं लग रहा कि फीमेल बैठी हुई है चुपचाप, मेल गैमिट चल करके यहाँ तक पहुंच रहा है सर, इसीलिए इसको हम लोग मेल बुला सकते हैं, पर देख के नहीं बोल सकते मेल है कि फीमेल है, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि ये जाके यहाँ जा रहा है इसे इसको हम लोग मेल बुला सकते हैं, इसको हम लोग क्या बुला सकते हैं, फीमेल बुला सकते हैं, कुछ लग रहा दिमाग क्या बोलना चाहे, तुमसे हम पूछ सकते हैं कि एफ निगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, F नेगेटिव फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और F पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिक है थोड़ा सा, लॉजिक यही लॉजिक है कि सर ये है ना अपना मेल है ना, मेल ही ना चलता है, स्पर्म ही ना चलता है जी, स्पर्म चल रहा है और फीमेल तक पहुंच रहा है,
दैट वाई सर इसको हम लोग क्या मानेंगे है ना, इसको मेल मान लेते, पर एग्जैक्टली मेल नहीं है, पर कहने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जो डोनेट करता है उसको मेल, जो रिसेप्ट करता है उसको फीमेल कहते हैं जी। ठीक है, बोलो किसी को कुछ पूछना है सर? ये फर्टिलिटी फैक्टर क्या होता है? जो डीएनए दे रहा है फर्टिलिटी, मतलब यही ना आगे जाके नया बना रहा है, नया कुछ नया ला के देगा। फर्टिलिटी फैक्टर इसलिए है क्योंकि सर ये यूनिक प्रॉपर्टी ला के देगा, इसको फिनोटाइपिक फीचर ला के देगा, बाहरी गुण बदल देने में मदद करता है, इसलिए इसको हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं जी। आया बात में? उधर क्या है सर, आपको फर्टिलिटी फैक्टर निगेटिव है, एक निगेटिव है जो ले रहा है, जो पॉजिटिव आपको जो दे रहा है। ठीक है, आया बात में? और इसी का एक और नाम है जी, एफ प्लस बुलाइए या एफ आर भी बुला सकते हैं, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्टिलिटी, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्टिलिटी, ये नाम है जी। ठीक है, इसका मतलब मेल से है जो जन्म देता है। ठीक है, मतलब ये हो गया जी, ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिए। ट्रांसफॉर्मेशन से भी बैक्टीरिया का डीएनए चेंज कर जाता है, आसपास के बैक्टीरिया से डीएनए मांग करके अपने अंदर में कुछ नया फीचर ले। हाँ बोलो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में यही ना होगा सर, अब ये डीएनए सेगमेंट का ये अब्सॉर्प्शन, हाँ डोनेशन होगा, है ना, इसमें डोनेशन हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे पिछला जो टॉपिक क्या था ना, कंजुगेशन, उसमें एक्सचेंज करा रहे थे हम लोग, एक को दे रहे थे उसे ले भी रहे थे, इसमें बस डोनेट हो रहा है। इस घटना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में ही हो सकता है, हम लोगों में नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन से एक बैक्टीरिया को तुमने बदल दिया, पहले वो बैक्टीरिया ठंडी को बर्दाश्त करने वाला था, पर अब ठंडी और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करने लायक बन गया, ऐसी घटना को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदल देना। अब आइए ट्रांसडक्शन सुनने को मिलेगा, अभी हम लोग को नया टॉपिक आ गया, तीसरा लास्ट टॉपिक है ना, ट्रांसडक्शन, है ना, ट्रांसडक्शन सुनिए, ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है कि वायरस अपना डीएनए जब बैक्टीरिया को देता है, वायरस डोनेट इट्स डीएनए टू बैक्टीरिया। सच घटना को, सच फिनोमेना को क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं, है ना, फिनोमेना इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांसडक्शन, इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, ट्रांसडक्शन के नाम से बुलाते हैं। मान लीजिए ये कोई वायरस, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, हम लोग पढ़ेंगे इस बात को भी, बैक्टीरिया है ये वायरस है सर, तुम सब जानता है वायरस सेल पे कब्जा करने के लिए क्या करता है, अपना डीएनए उसमें डाल देता है। भाई पहले से इसका डीएनए ऐसा था रेड कलर का, अब इसमें जब वायरस अपना डीएनए डालेगा ब्लू कलर का, तो कुछ तो चेंज हुआ ना। अब भले वायरस के सामान बना दू अलग बात है, पर भाई आया ना चेंज। हम क्या बोले थे तुम लोग को, बैक्टीरिया किसी तरह से चेंज लाना चाहता अपने डीएनए में। अब ये बैक्टीरिया के साथ जब अटैच हो जाएगा तो सर ये अब वायरस में कुछ नया आ गया ना, मतलब ये बैक्टीरिया में कुछ नया आ गया ना, पहले पूरा परफेक्ट रेड होता था, अब रेड के साथ क्या आ गया, ब्लू आ गया, तो सर चेंज हुआ। अब ये बैक्टीरिया कहीं आगे जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो सर इस बैक्टीरिया में क्या होगा सर, एक रेड वाला भी डीएनए होगा, एक ब्लू वाला भी डीएनए होगा सर। ठीक है, ऐसी घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, ट्रांसडक्शन के नाम से लाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया तीन तरीके से अपना डीएनए को बदलता है, तुम लोग भी समझ गया होगा सबसे अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, कंजुगेशन। कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया को, दोनों बैक्टीरिया को फायदा होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया को फायदा होता है, दूसरे को कोई फायदा नुकसान नहीं होता है। तीसरा में क्या होता है, वायरस अपना डीएनए डाल देता है सर बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए नहीं आता है, कुछ तीसरा आदमी का डीएनए आ गया, है ना, आप देख रहे हो ना कि बैक्टीरिया में थोड़ा सा बदली हो रहा है, थर्ड पार्टी का बदलाव बदली हो रहा है, इसमें थर्ड पार्टी का डोनेशन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर में। वैसे मान लीजिए आप लोगों को है ना सहायता इंसानों को करना चाहिए, लेकिन आप कभी जानवर का सहायता करते हैं तो नहीं, आप जानवर क्या मानेगा कि थर्ड पार्टी हमको मदद किया ना, वही बात यहाँ पे भी है कि बैक्टीरिया को जब कोई थर्ड पार्टी से डीएनए मिलता है और उसकी मदद से अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने कैरेक्टर को या अपने डीएनए को, इस घटना को क्या नाम देते हैं, ट्रांसडक्शन के नाम से बुलाते हैं जी। हो गया, बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करता है या मोनेरा कैसे मल्टीप्लाई करता है, वो सब एग्जाम्पल दिए जी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मानोगे, इसका एग्जाम्पल ये हो गया आपको, ये वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस, इस वायरस का नाम क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये जो देख रहे हैं ये आपको क्यों हो जाएगा, इकोलाई, ये बैक्टीरिया, इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अभी इस दोनों के बीच में ट्रांसडक्शन हो रहा है, जिसमें वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में डोनेट कर रहा। हो गया जी, मोनेरा पढ़ा दिए जी, पूरा मोनेरा पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब उसमें है माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म चार लाइन लिखा हुआ, अपने से पढ़ के देखो, माइकोप्लाज्म आपको दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है, वहां भी पढ़ाए थे सेल चैप्टर में, याद आ रहा है, माइकोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, इसी का एक भाई था पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्म निमोनिया भी कॉज करता है जी। ठीक है,
और माइक्रोप्लाज्म प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्म ऐसे हैं जो पेड़ पौधा को नुकसान पहुंचाता है, और बहुत सारा माइक्रोप्लाज्म ऐसे भी है सर जो इंसान को भी नुकसान या एनिमल को भी नुकसान पहुंचाता है जी। इसका सेल वॉल नहीं होता है जी, ठीक है, ये बात याद रखना। ये दुनिया का ऐसा आपको बैक्टीरिया है, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, माइक्रोप्लाज्म को छोड़ करके। जरा जी हम बोल के समझा रहे हैं, टॉपिक का नाम है माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म आप सब जानते हो, माइक्रोप्लाज्म किसे कह रहे हैं, दुनिया का सबसे छोटा मोनेरा, मोनेरा सबसे छोटा मोनेरा कौन है, माइक्रोप्लाज्म है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, ये इसके बाद सेल वॉल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक का मतलब क्या, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करके जा जाएगा, ठीक है जी। इसके पास सेल वॉल नहीं होने के कारण पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक का इस पे कोई असर नहीं पड़ता है जी, ठीक है। मतलब पेनिसिलिन जैसा आपको है ना, इसमें कोई असर नहीं होता है। और माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल के नहीं होने का, एक बार याद कीजिए सब लड़का, सेल वॉल होना मतलब क्या, एक यूनिक शेप देता था ना। जब इसके पास सेल वॉल है ही नहीं है तो कोई भी लड़का नहीं बोर्ड पे माइक्रोप्लाज्म बनना लेगा सर, ऐसा होता है माइक्रोप्लाज्म। कोई लड़की कहीं नहीं सर ऐसा होता है माइक्रोप्लाज्म, कोई लड़का कहीं नहीं सर ऐसा होता है माइक्रोप्लाज्म, सही है, किसी भी शेप में हो सकता है माइक्रोप्लाज्म। क्यों भाई, क्योंकि भाई इसके पास सेल वॉल है नहीं तो शेप बदलता रहता है टाइम टू टाइम, है ना। जैसे अमीबा का शेप बदलता रहता है ना, वैसे माइक्रोप्लाज्म का भी शेप बदलता रहता है। इसलिए इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक के नाम से बुलाते हैं। पॉली माने तरह तरह का, मॉर्फिक माने शरीर, इसका शरीर समय के साथ चेंज करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक के नाम से बुलाते हैं जी। माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट है, एनएरोबिक है, एनएरोबिक के साथ साथ पॉलीमॉर्फिक है, नन आपको लिखा सेंसिटिव टुवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का असर नहीं पड़ता इस पे, पेनिसिलिन के नाम का बस एक ही नाम बोले पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन का असर पड़ता है इस पे, दूसरा एंटीबायोटिक मार देगा इसको, पर पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक माइक्रोप्लाज्म को नहीं मार पाएगा जी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सर सेल वॉल को मारता है पेनिसिलिन, है ना, जो कि है नहीं इसके पास, इसका मतलब माइक्रोप्लाज्म जिंदा रह जाएगा। पर टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक डालोगे ना तो माइक्रोप्लाज्म मर जाएगा। देखो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक क्यों नहीं काम कर रहा है इस पे, है ना, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि सर इसको बनाया गया इसलिए है था कि सेल वॉल को तोड़े, पर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है तो क्या किसको तोड़ के आएगा भाई। सेल वॉल के लिए तोड़ने के लिए बना था तो सेल वॉल भी होना चाहिए ना, जब सेल वॉल है ये नहीं है तो तोड़ना ना पाएगा जिसको किसी को भी, पॉइंट ये हो गया। तो सर इसको क्या नहीं मार सकते, क्या अमर है, नहीं जी अमर नहीं है। माइक्रोप्लाज्म को डॉक्टर मार सकता है दवा दे करके, और कौन सा दवा देगा कि माइक्रोप्लाज्म मर जाए, तो टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक देगा, है ना, टेट्रासाइक्लिन नाम का एक एंटीबायोटिक आता है जिसको देने से माइक्रोप्लाज्म मर जाता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते हम लोग जान गए माइक्रोप्लाज्म, आज हम लोग मोनेरा खत्म कर दिए जी। अब कल सुबह में जो मिलेंगे ना प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे जी, ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा देखिएगा कल। हाँ बोलो सही, पैरासाइटिक होता है ना। हाँ पैरासाइटिक होता ही ना, वही ना, बीमार कर रहा था पैरासाइटिक क्या हुआ, प्लांट को भी बीमार कर रहा है, हम लोग को भी बीमार कर रहा है। हाँ बोलो सेप्रोफाइट नहीं, नहीं सेप्रोफाइट नहीं है ये लोग, माइक्रोप्लाज्म एक तरह का पैरासाइट है जो आपको बीमार करेगा, या तो प्लांट में पाया जाएगा या तो एनिमल में पाया जाएगा। इसी का बच्चा है पीपीएलओ, है ना, इसी का एक भाई है पीपीएलओ, प्लूडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आगे भी है कि रखे, हो गया हाँ हो गया, कल मिलते हैं सुबह में प्रोटिस्टा पर, ये स्पेशल टाइम था, कल मिलेंगे तो